मैं बना रही हूँ क्विक एंड ईजी, आई कॉल इट 10 मिनट रेसिपी, क्योंकि मेरी रेसिपी जल्दी जल्दी बनती है और बन जाती है 10 मिनट में। कुछ लोग कह रहे थे 10 मिनट रेसिपी इज़ नॉट ट्रू, सच्ची बात नहीं है। नहीं, मेरी सच्ची बात है। चले एक दिन मैं लाइव आके आपको 10 मिनट में कुकिंग बनाना बताऊंगी। ये मेरी बेटी की फेवरेट डिश है, भुना गोश्त। इसमें हमने लेना है बीफ। बीफ की ऐसे मैंने स्क्वायर की, इस साइज की, इंच इंच की मैंने बोटी काट दी, स्क्वायर्स काटते हैं सब, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने सब कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये सब कुछ ऐसे ही पकेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, इसमें अदरक लहसुन प्याज ताज़ा टमाटर, एक टमाटर लिया बस, टमाटो पेस्ट, प्याज हो गया, काली मिर्च बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, काली मिर्च, सूखा धनिया और जीरे का पाउडर, सब कुछ पाउडर में जाएगा, साबुत कुछ नहीं जाएगा। मिर्च लिया मैंने। अब ये कम करनी है ज़्यादा करनी है आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। हल्दी जाएगी इसमें, नमक ले लिया मैंने, और ये रखा हुआ है मैंने सरप्राइज, ये रखी हुई है मैंने चर्बी, ठीक है। चर्बी के भी दो चार तीन पीस लिखे मैंने, और एक बड़ा चम्मच टीस्पून मैंने लिया दही का, ठीक है। ये सब कुछ हम प्रेशर कुकर में डाल के 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ठीक है। और फिर जब पकाएंगे और फिर मैं पका कर वापस आती हूँ। सब कुछ इसमें चला गया प्रेशर कुकर में। अब मैंने डालना है 1 कप पानी, ओनली 1 कप। अब इस प्रेशर को आप बंद कर दीजिए, हीट आप हाई रखें मीडियम रखें, आई सब टू यू। बस 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। कुछ 3 मिनट्स होते हैं प्रेशर कुकर में, कुछ 3 सीटी होती है। इस देख लें आपका प्रेशर कुकर क्या करता है, मिनट लेता है कि सीटी लेता है। वेलकम बैक। ये हमारा तकरीबन 3 मिनट में हमारा ये स्टीम हो गया। ये देखें, ये इस शक्ल में आ गया। वो जो हमने इसकी चर्बी डाली थी ना फैट, ये उसकी फैट है सारी, मैंने ऑयल नहीं डाला अभी तक, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम पानी को हम ड्रेन करेंगे। हमें ये बीफ चाहिए रूखा पानी के बगैर, ठीक है। हमें ये पानी सेव करना है, फेंकना नहीं है, ठीक है। इसको ज़रा ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से ड्रेन होने में। ये पानी अच्छे से निकल जाएगा, फिर हम ये बोटी को भून लेंगे बस। देन इज रेडी। देखते हैं हमारा बीफ भून रहा है। इसको अच्छे से ज़रा तेज़ आंच पे इसको भूनना है, और इसको ऐसे भूनना, ऐसे लगेगा आपको जलने लगा, ठीक है। जलाना नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे से भूनना है। इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर हमने एक्चुअली डार्क करना है भून के, ठीक है। इस टाइम पे आके आपको लगेगा, देखिए सब ड्राई हो गया अच्छे से। तो 1 चम्मच हमने लेनी है आलू ऑयल की, तकरीबन 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 बड़ा टीस्पून। इसके साथ हम अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इसका कलर हमने डार्क करना है। इसके अंदर डालनी है 1 कटी हुई छोटी कुतरी हुई हमें हरी मिर्च चाहिए, और छोटे छोटे हमने जिंजर काटी है, छोटे छोटे। ये जो अदरक है हमने इतना छोटा काटा है कि मुँह में आते हुए भी बुरा ना लगे, क्योंकि ये फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। और इसको भून रहे हैं, हम ऐसे भून रहे हैं कि ये ड्राई होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह नहीं ज़ोर ज़ोर से नहीं चम्मच हिलाना, डोई नहीं मारे ज़्यादा, क्योंकि ये फिर बोटी टूट जाएगी ना। अच्छा, मेरा आपके इट डिपेंड ऑन योर बीफ, आपका बीफ कितना पुराना है, कितना देर लगता है, कितना टफ है। मेरा बीफ फ्रेश था। ये देखें, मेरे 3 मिनट में इतना अच्छा गल गया, ठीक है। इसको अभी ज़्यादा ज़्यादा हिलाऊँगी नहीं, मैं हल्के हल्के ऐसे ऐसे टर्न करती जाऊँगी ताकि लगे नहीं, इतनी जो सा लग रहा है ना। अच्छा, जो इसकी फैट हमने निकाली थी, रिमेंबर, हमने उसको ड्रेन किया था। इसको एक एक बूंद डाल के भूनते जाएंगे, ठीक है। बस इसके एक एक बूंद डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। बीफ को सारा इसका हमने ड्रेन किया हुआ है, वो इसको मिक्स करते हैं आस्ते आस्ते करके। मैंने इसका जो जितना पानी था हमने ड्रेन किया, वो सब मैंने आस्ते आस्ते इसमें डाल दिया, और हल्के हल्के इसको मिक्स कर दिया। अब ये इस शक्ल में ये फाइनल इसकी शक्ल है। इस रेडी हमारा बीफ भुना गोश्त रेडी हो चुका है। अभी मैं क्या करती हूँ, मेरा सीक्रेट क्या है, मैं इसके ऊपर 1 चम्मच जब डन हो जाता है, ऐसे सर्व करने लगे हैं टेबल पे, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल इसके ऊपर रखती हूँ, और इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं ताकि इसकी स्टीम में ऑलिव ऑयल थोड़ा सा रच जाए। अब इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा धनिया रखेंगे। बस हमारा
अपना कुछ रेडी।